देखिए, ये एक टास्क फ्रॉड के नाम की ठगी है, जिसमें जो विक्टिम को जो फ्रॉडिस्टर है वो टास्क देता है। हमारे इस केस में जैसे उसको रेटिंग के लिए टास्क दिया गया, स्काई स्कैनर ऐप के थ्रू जो टिकट बुकिंग करती है उसके थ्रू उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया गया टेलीग्राम के, और वहाँ जाने के बाद उनसे कहा गया कि आप इसको लाइक करिए, ये टास्क करिए, और एक टास्क करने के बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो शुरुआत में इनको एक दो तीन बार छोटा छोटा अमाउंट जो है वो मिला, जिससे इनको मोटिवेशन मिला कि मैं और इन्वेस्ट करूं। और जब इनका अमाउंट जो है और ज़्यादा लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई 11 लाख रुपये और जमा कराएं। तो इनके तब तक टोटल जो है 5,84,000 के करीब रुपये जो है वो दे चुके थे। फिर उन्होंने कहा अगर आपको अपना टोटल और प्रॉफिट लेना है तो आपको इस अमाउंट को और जमा कराना पड़ेगा, जो कि केवल एक चीटिंग के लिए वो लोग कर रहे थे। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, ना कोई इसके अंदर कोई ऐसी एक्चुअल में ऐप एग्जिस्ट करती थी, जो ये व्यक्ति जो है बिना वेरीफाई करे, बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के अभाव में इन फ्रॉडस्टरों के चुंगल में आ गया और इनके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई। तो इस केस में हमने एक FIR दर्ज करी 14 नंबर, जिसको हमने दर्ज करने को 13 तारीख को हमने दर्ज करा, और 14 तारीख को हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है जितेंद्र कुमार, सन ऑफ हरिंदर, और ये बेसिकली जो है नागौर का रहने वाला है। तो इस संबंधित केस में फर्दर इनके डिस्क्लोज़र में आगे अपराधियों के नाम आए जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो ये एक विशेष तरह का फ्रॉड है जो आज की डेट में प्रिवेलेंट है, जिसके लिए मैं गुजारिश भी करूंगा कि लोग ऐसे फ्रॉड जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इस माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं कि भाई आप टास्क पूरा करिए और ऐसे आपको पैसे मिलेंगे, इनके लुभावने ऑफरों में ना आए। ये एक साइबर ठगी का जो गैंग है जो इसको ऑपरेट करता है, और इस तरह के झांसे में ना आए, और भविष्य में भी हम इस तरह की जो है वारदातों को ट्रेस करते रहेंगे। और लोगों से अपील है कि वो इस तरह के झांसे में ना आए और सुरक्षित रहे। फ्रॉड कितने का हुआ था सर? ये पूरा बड़ा फ्रॉड कितने का था सर? ये 5,84,000। तो संपर्क में सर कैसे आया व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो संपर्क में कैसे आया, और आरोपी ने कैसे उसको संपर्क किया, पूछताछ में पता चला हो सर? देखिए, ये इनको टेलीग्राम पे एक ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया गया अपने आप जी। और उस ग्रुप के अंदर ये ऑफर चल रहा था कि आप ये टास्क कीजिए। तो जब इन्होंने वो देखा वो ग्रुप, उसमें और भी लोग ऐड थे, तो उसको लगा कि ये ऑफर करने से अगर ऐसे पैसा मिल रहा है तो मैं भी क्यों ना अपना पैसा लगाऊं। तो उनको लालच दिया गया। तो ये जो अपराध है, ये लालच के चक्कर में लोगों को दिखाया जाता है कि आप इतना कमा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जबकि ना तो ऐसी कंपनियों के कोई ऑफिस का इनको पता होता, ना इनके जो कॉल करते हो आप तो ये उठाते हैं। तो जब हमें किसी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं पता, उसकी अथेंटिसिटी ही नहीं पता, तो हमें उस चीज़ में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंस जाते हैं। आप तक इस गैंग में कितने लोगों के नाम सामने आए हैं, कुल कितने लोग हैं जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं? देखिए, इस तरह की ठगी करने वाले तो बहुत गैंग्स हैं। हमारे केस से संबंधित अभी हमने एक अपराधी को इसको गिरफ्तार किया है, इससे संबंधित जो है दो और व्यक्ति हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जिनको अभी हम जांच चल रही है हमारी उनके बारे में। तो अभी फिलहाल इतना ही सामने आया। तो जिसके साथ ठगी हुई है, ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? ये व्यक्ति सिरसा का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जो साइबर ठगी के इन दिनों में मामले आ रहे हैं, उसमें अधिकतर लोग पढ़े लिखे होते हैं जो लालच में फंस जाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि अधिकतर जो पढ़े लिखे युवा ना फंसे इस पूरे मामले में, या कोई भी ना फंसे? देखिए, साइबर अपराध में आपने बिल्कुल सही कहा कि पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो ऐप्स का, फ़ोन का, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। वो घर बैठे बैठे ही ऐसी ऐप्स के जरिए कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। तो वो आदमियों से मेरी अपील है कि बिना वेरीफाई करे सोर्स, हम कभी भी कोई कार्य करते हैं, कहीं हम बैंक में निवेश करते हैं तो हमें उसका ऑफिस तो पता होता है, फिजिकली हम जा तो सकते हैं। जहाँ पे भी हम किसी दफ्तर को या किसी, जहां निवेश कर रहे हैं उसका फिजिकल दफ्तर नहीं पता, उनसे फिजिकली नहीं मिले, वहां अपनी राशि इन्वेस्ट ना करें। देखिए, आपके पास जब यही नहीं पता कि आपका ऑफिस कहां है, आपका ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके बिना करना तो एक बेवकूफ़ी है।
तो उस तरीके के जासे में ना आए और बिना वेरीफाई करें, बिना किसी का ऑफिस देखें, बिना उन आदमियों का जो ठिकाने का है, आप इन्वेस्ट ना करें। इसी गलती के कारण लोग फंस रहे हैं, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं करते कि जो आदमी व्हाट्सएप पे आ गया, टेलीग्राम पे आ गया, उसको सच्चा मान रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे है वो सच्चा ना हो, आप उसका एड्रेस वेरीफाई करें, आप उसके ऑफिस पे जाएं, जब उसका ऑफिस इस्टेब्लिश हो जाए, जब आप देख लें कि वो चीज़ पक्की है कि मैं यहाँ जाके इन आदमियों से मिल चुका हूँ, तभी उसको वेरीफाई करने के बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि इतनी जो राशि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेहनत की कमाई है, इस तरीके की चीज़ को करने से पहले वेरीफाई तो करना बनता है। जो व्यक्ति पकड़ा है उसपे कितने केस चल रहे हैं, उसका बैकग्राउंड सर क्या है, अपराधिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए, इस पे व्यक्ति पे तो अभी ये जो है पहला ही केस है, क्योंकि उससे पहले तो कोई इनके ऊपर केस अभी तक मेरी उसमें नहीं आया संज्ञान में। पर इस तरह के गैंग के पीछे हो सकता है काफ़ी और एफआईआर भी रजिस्टर मिले, जो अन्य पुलिस, अन्य राज्यों की पुलिस भी इन लोगों को खोज रही है। तो ये गैंग जो है जो ऑपरेट कर रहा है, इसको एक आदमी के साथ नहीं, इन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ ठगी की होती, उसके बारे में हमारी जाँच चल रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा।